वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक किया है आपकी रिक्वेस्ट पे बहुत ही अमेजिंग सी साड़ियाँ। ये सभी डिजाइनर साड़ी है, सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी है, ड्रेसेस हैं। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी है रीसेलिंग में, तो इसकी जो रीसेलिंग प्राइस है मीशो प्राइस है मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन करती रहूँगी, तो आप ध्यान रखना। एंड अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं यहाँ पे क्लिक दे रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए एंड वहीं से आप मुझसे परचेज कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखिए, बिकॉज इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ले सकते हो, प्लस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि मैं अनाउंस करने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ा गिव अवे। तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करें एंड जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है माय फेवरेट एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब मैंने इस साड़ी को देखा यार मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप मेरे कोड से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो सेम एज इट इज़ आएगी, लेकिन अगर आप देखते हैं कि मीशो पे एक ही साड़ी को बहुत सारे सेलर या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसको बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको सबकी गारंटी नहीं दे सकती कि किसी से आपको कुछ और मिल जाए, बिकॉज सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड मैं जिस कोड से परचेज कर रही हूँ आप उसी कोड से परचेज करिए, बिकॉज होता क्या है आप दूसरे कोड से परचेज कर लेते हैं या तो आप रेटिंग चेक नहीं करते, प्राइस थोड़े कम ज़्यादा होने पे आप देखते हैं उस सेलर की कम है तो आप वहीं से परचेज कर लेते हैं, फिर आपको कुछ मिल और कुछ जाता है, फिर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है केवल आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, हम लोगों को भी ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं और हमें भी रिटर्न कराना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक बार फुल रिव्यू चेकआउट कर लो, देन ही आप परचेज करो। एंड ये वाली साड़ी है ना बहुत सुंदर है, इसके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से परचेज करना। एंड ये बहुत ही सुंदर सी इस तरीके की आपको साड़ी देखने को मिल जाएगी। एक तो पहले आप कलर देखो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है इस साड़ी का, मुझे इसका कलर इसका डिज़ाइन सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसका फैब्रिक है ना थोड़ा थोड़ा सिल्क एंड रेयॉन, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी पहनने के बाद। एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड पूरी साड़ी आपको कुछ इस तरीके की प्रिंटेड साड़ी देखने को मिल जाएगी, प्लस पूरे पे आप देख सकते हो ना सिक्वेंस लगवाए हुए हैं और ये गोल्डन सिक्वेंस की लाइन जा रही है पूरे में, तो इस तरीके की आपको ये वाली पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी। सेम एज इट इज़ वैसा कलर मिला है जैसा पिक्चर में दिया हुआ था, वैसा कि वैसा पूरा वर्क है। तो लुक एट दिस ना, कितनी प्रिटी लग रही है ये वाली साड़ी। एंड ये फुल पार्टीवेयर साड़ी है, ये नाइट के अकॉर्डिंग बेस्ट है, डे के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पार्टी फंक्शन शादी के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो और अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं रक्षाबंधन वगैरह के लिए लेना चाहते हो तो ये वाला लुक ट्राई कर सकते हो, बहुत अमेजिंग आएगा। एंड पूरी 5.5 मीटर की साड़ी मिल जाएगी, बस इतना सा जो पार्ट है ना वो प्लेन मिलेगा, जब आप ट्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। एक तो इसका फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा शाइनी फैब्रिक है, क्योंकि सिल्क फैब्रिक इसमें मिक्स किया हुआ है, तो जब आप पहनोगे बहुत अमेजिंग वाला लुक आएगा। तो इसकी मैं मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप ध्यान रखना। एंड इसका ब्लाउज है ना बहुत ही सुंदर है, मतलब जैसा कि जैसा पिक्चर में दिया था ना वैसा ब्लाउज इन्होंने दिया है, लेकिन अगर आप वैसा नहीं बनवाना चाहते, आप कंफर्टेबल नहीं हो वैसे ब्लाउज पहनने में, तो आप नॉर्मल ब्लाउज भी स्टिच करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप वैसे स्टिच कराओगे तो लुक एज इट इज़ सेम वैसा आने वाला है। एंड कुछ इस तरीके का आपको ब्लाउज पीस देखने को मिल जाएगा, ये बैंगलोरी सिल्क का ब्लाउज पीस है, कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड अभी वो ही कलर ये वाला चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है ये वाला कलर। एंड कुछ इस तरीके का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, लुक एट दिस ना, ये पूरे मिरर्स लगाए हुए हैं, सिक्वेंस का काम किया गया है, ये फ्रंट है ये बैक है, और जो मिरर्स आप देख रहे हो ना ये रियल मिरर्स हैं का फैब्रिक है, जो 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक है, अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में हो तो भी आपके ईजीली आ जाएगा। बहुत बहुत सुंदर ब्लाउज है ये वाला, मैं आपको इस साड़ी को हाईली रिकमेंड करूंगी, डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत अमेजिंग लुक आएगा इस फेस्टिवल में। आज जो मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है बहुत ही सुंदर सा फ्लेयर सूट है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप परचेज करना चाहते हो कर सकते हो। इयर रिंग्स है जो अमेजोन से है और ये भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, और ये है एक वेस्टर्न वियर,
बहुत ही सुंदर है यार ये वाली एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. लुक एट दिस ना, जब मैंने इसको देखा यार इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मे बी 500 के आसपास है, लेकिन बहुत ही सुंदर है यार. इस प्राइस में आपको एक टॉप भी नहीं मिलती है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. इस तरीके का आपको इसमें जो है नेक वाला डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे इन्होंने बो लगवाया हुआ है और इसका जो फैब्रिक है ना ये वाला ऊपर का थोड़ा थोड़ा वेलवेट फैब्रिक है एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ है जो पैटर्न देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. पैडेड है ये वाली ड्रेस तो बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा पहनने के बाद और नीचे का जो पूरा पार्ट है ना वो आपको नेट का देखने को मिल जाएगा. और ये आप देख रहे हो ना फ्लावर्स बनाए हुए हैं, ये वेलवेट से ही बनाए हुए हैं. अंदर की साइड प्रॉपर आपको स्टार्टिंग की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी इस तरीके की. फैब्रिक क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है. एक पूरी पार्टीवेयर डिजाइनर ड्रेस है एंड कैजुअल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है. लेंथ आप देख लेना साइड में काफ़ी अच्छी आ रही है. बहुत ही प्यारी सी डिजाइनर सी ड्रेस है एंड लुकिंग वाइज बहुत अच्छी है. फुल लुक आप साइड में देखना काफ़ी अच्छा आएगा एंड इस ड्रेस को भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत सुंदर लगेगी पहनने के बाद. तो ये है जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने पिक किया है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है. अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी है एक साड़ी एंड ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने पिक कर लिया. रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी इस वाली साड़ी की एंड यार मैं ट्राई करती हूँ आपके साथ बिल्कुल यूनिक यूनिक कलेक्शन शेयर करूँ जो कि किसी ने भी नहीं किया हो, तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहे. तो यार मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियो को पूरा देखा करो. अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड मैं भी मोटिवेट होंगी तो मैं और अच्छे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी. तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका ब्लाउज देख सकते हो काफ़ी प्यारा है. तो इसका ब्लाउज है जो नेट फैब्रिक में इन्होंने दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का फ्रंट देखने को मिल जाएगा जैसा पिक्चर पे दिया हुआ था. पूरा सिक्वेंस लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और आपको पास से दिखाती हूँ कितना नीटली इन्होंने काम किया हुआ है जो कि बहुत सुंदर लगेगा. बनवाने के बाद इस ब्लाउज का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा. बैक इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा है. ब्लाउज का फैब्रिक है 90 सेंटीमीटर के आसपास, जब आप स्टिच कराओगे तो आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में इजीली आ जाएगा. इसके साथ इन्होंने लाइनिंग भी प्रॉपर इसमें दी हुई है तो आपको अलग से लाइनिंग परचेज करने की नीड नहीं है. ये आपको सिर्फ फैब्रिक में पूरी 90 सेंटीमीटर की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, साथ में दिया हुआ है. इसके साथ इस तरीके की लेस भी इन्होंने दी हुई है. जब आप देखोगे ब्लाउज में इस तरीके की लेस लगाई हुई है तो प्रॉपर इन्होंने 1 मीटर की लेस दी हुई है तो आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना. एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइनर ब्लाउज स्टिच हो जाएगा जो कि वैसे भी इसे स्टिच करा सकते हो या फिर आप चाहो तो स्लीव्स भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा. अब मैं आपको बताती हूँ साड़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी. इस साड़ी की लेस है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है. एक तो पूरी साड़ी है जो जॉर्जेट फैब्रिक में है, कलर आप देख सकते हो कितना प्रिटी है. बस इतना सा जो पार्ट है ना वो आपको प्लेन मिलेगा जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आता है. बाकी पूरी साड़ी की मैं आपको एक बार लेस बताती हूँ कितनी प्यारी है. इस तरीके की आपको लेस देखने को मिल जाएगी. ये जो आप देख रहे हो ना ये इन्होंने इसमें स्टोन टाइप कुछ लगाया हुआ है एंड बहुत ही सुंदर है. मैं आपको पास से दिखाती हूँ. एक सिल्वर एक गोल्डन, एक सिल्वर एक गोल्डन, बहुत ही यूनिक सी लेस लगी मुझे ये एंड बहुत अमेजिंग है. पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलेगी, बस इस तरीके की आपको लेस देखने को मिल जाएगी. इस तरीके की ये वाले स्क्वायर शेप में जो है इन्होंने स्टोन टाइप लगाए हुए हैं, बीच बीच में बीट्स हैं. तो पूरी साड़ी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी. फुल लुक एक बार आप साइड में देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा एंड पूरी 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी एंड आंचल पे चारों तरफ इन्होंने लेस लगाई हुई है. लुकिंग वाइज ये साड़ी बहुत अच्छी है, किसी भी पार्टी फंक्शन ओकेजन के अकॉर्डिंग बेस्ट है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बेस्ट है. कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, जो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी. तो इस साड़ी को भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ. आज का पूरा कलेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड बहुत ही अफोर्डेबल भी लग रहा है मुझे. तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है. नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा. इस तरीके की जिप कवर में आपको देखने को मिल जाएगा एंड यार मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये वाला लहंगा तो मैंने पिक कर लिया. एंड पूरा लहंगा है जो आपको फॉइल मिरर में लहंगा देखने को मिलेगा. मैं देखना चाहती थी क्वालिटी कैसी आती है तो लुक एट दिस. इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिलेगा. मैं भी इसे अभी खोल के देख रही हूँ तो सुंदर है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार मुझे तो. ये पूरा लहंगा है जो आपको बेज कलर में देखने को मिल जाएगा एंड कुछ इस तरीके का है ये वाला लहंगा. ये आपको प्रॉपर नेट फैब्रिक के ऊपर जो है फॉइल का काम किया गया है, फॉइल मिरर का. इस तरीके की आपको वेस्ट देखने को मिल जाएगी और कुछ इस तरीके का है ये वाला प्रॉपर लहंगा. एक तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, जो बॉटम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है. पर इस लहंगे में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे कैन मिलेगी लेकिन इसमें कैन नहीं मिली है.
ओनली आपको कैनवास देखने को मिल जाएगी बॉर्डर पे एंड अंदर की साइड लाइनिंग लगाई हुई है। तो अगर आप उस लहंगे का फ्लेयर चाहते हो, वैसे तो इसमें 3 मीटर के अबव ही फ्लेयर होगा, लेकिन अगर आप और फ्लेयर चाहते हो एंड लुक चाहते हो तो आपको कैन कैन स्कर्ट इसके साथ पहननी पड़ेगी या फिर आप अलग से कैन कैन इसमें स्टिच करा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस लहंगे को तभी खरीदना, तभी परचेज करना तब आप इसमें कैन कैन स्टिच करवाओ, कैन कैन लगवाओ या फिर कैन कैन स्कर्ट के साथ पहनो, क्योंकि उसके पहनने के बाद ही लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। एंड बहुत ही सुंदर है ये वाला लहंगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लाइट वेट है, फैब्रिक है नेट फैब्रिक एंड इसकी जो वेस्ट है अप टू 42 से अप टू 44, जो कि आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में इजीली आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ब्लाउज एंड दुपट्टा। ओके, तो ब्लाउज के लिए इन्होंने पूरा हैवी फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है, जैसा पिक्चर में दिया था। लुक एट दिस, पूरे पे जो है फॉयल मिरर का काम किया गया है। मैं आपको एक बार फॉयल मिरर की क्वालिटी पास से बता देती हूँ। इस तरीके की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी है, पूरी एम्ब्रॉयडरी भी की रही है एंड इस तरीके का 90 सेंटीमीटर का हैवी फैब्रिक दिया हुआ है। तब आप स्टिच कराओगे ना, इस ब्लाउज का लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा एंड बहुत अमेजिंग लगेगा ये वाला लहंगा। बस मुझे एक कमी लगी कैन कैन की, अगर आप कैन कैन अलग से लगवा सकते हो या फिर कैन कैन स्कर्ट के साथ पहन सकते हो, आपके पास अवेलेबल है, तो डेफिनेटली मैं आप इस लहंगे को हाईली रिकमेंड करूंगी, आप बाय कर सकते हो। एंड इस तरीके का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में इजीली आ जाएगा। और ब्लाउज के साथ ना ब्लाउज का फैब्रिक भी है जो नेट फैब्रिक का है, तो इन्होंने उसके लिए प्रॉपर लाइनिंग भी दी हुई है, आपको अलग से लाइनिंग नहीं परचेज करनी है ब्लाउज के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ दुपट्टा। तो दुपट्टा आपको नेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगा एंड इस तरीके का है दुपट्टा, प्रॉपर नेट का दुपट्टा इन्होंने दिया हुआ है, मोनो नेट यूज किया हुआ है, प्लस चारों तरफ आपको जो है इस तरीके का फॉयल मिरर देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पहनने के बाद इस लहंगे का लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा, प्लस बहुत ही सुंदर सा एलिगेंट सा डिजाइनर लहंगा है, कलर भी काफी ज्यादा प्रीटी है। तो ये है जो नेक्स्ट लहंगा मैंने पिक किया। नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया वो है ये तीज के अकॉर्डिंग साड़ी, एंड तीज बोल लो, रक्षाबंधन बोल लो, यानी कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग है। इस तरीके की जिप कवर में देखने को मिल जाती है, इसमें आपको कलर ऑप्शन काफी सारे देखने को मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मुझे ये कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था पिंक कलर में, तो मैंने ये वाला पिक कर लिया एंड बहुत ही सुंदर सी आपको मुझे इस तरीके की ये वाली साड़ी देखने को मिलेगी। एक तो ये साड़ी ना जितनी हैवी दिख रही थी ना उतनी हैवी आई नहीं है, यानी कि वेट में तो काफी ज्यादा लाइट है, आप इजीली पूरे दिन कैरी कर सकते हो। और आपको किसी फंक्शन या फिर शादी के अकॉर्डिंग पहननी है तो पूरे दिन पर कैरी कर सकते हो। एंड इसका जो मेन है, जो इस साड़ी को इनहेंस कर रहा है, वो है इसका बॉर्डर। कुछ इस तरीके का आपको इतना ब्रॉड बॉर्डर देखने को मिलेगा, पूरे पे आपको जरी का काम प्लस जो है सिक्वेंस का काम किया गया है। मैं आपको पास से बताती हूँ एक बार, कुछ इस तरीके का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, गोल्डन कलर के सिक्वेंस यूज किए गए हैं और जरी का पूरा गोल्डन काम किया गया है, काफी नीटली काम किया गया है। एंड पूरी साड़ी है ना जो फैब्रिक है ऑरेंजर सिल्क फैब्रिक, और ये बॉर्डर इसमें दिया हुआ है और ऑरेंजर सिल्क फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके के इन्होंने सिल्वर सिल्वर लाइनिंग दी हुई है। ये स्टोन लगा, मतलब स्टोन, एक सेकेंड, ये इन्होंने स्टोन टाइप कुछ इसमें लगाए हुए हैं, स्टोन नहीं बोल सकते हैं तो प्रिंट बोल सकते हो, यानी कि आप जब हाथ लगाओगे ना तो आपको ये फील हो रहा है, तो मैं प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ स्टोन है या क्या है, पर काफी ज्यादा अच्छा है। और ये साड़ी ऐसी है कि आप इसे फंक्शन में ही पहन सकते हो, ऐसा तो है नहीं आप इसे डेली में पहनोगे या फिर घर में वॉश कर सकते हो, ऑनली ड्राई क्लीन होगी ये वाली साड़ी, तो उस अकॉर्डिंग है। एंड पूरी साड़ी पे आपको कुछ इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा जो कि आपके नीचे की साइड आएगा। एंड पूरी साड़ी इस तरीके की है, 5.5 मीटर की। एक तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज्यादा लाइट वेट आएगी, तो आप इजीली पूरे दिन कैरी कर सकते हो। एंड लुक एट दिस, 5.5 मीटर की इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी। और ये जो पार्ट है ना जिसमें इन्होंने लेस नहीं दी हुई है, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा, कलर आप ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इस साड़ी को भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, स्टाइल कर सकते हो एक डिफरेंट से स्टाइलिश से ब्लाउज के साथ। इन्होंने इस तरीके का ब्लाउज इसमें दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर का अटैच ब्लाउज देखने को मिल जाएगा पिंक कलर का, और बॉर्डर देखने को मिल जाएगा ब्लाउज पे सेम, जो कि स्लीव्स पे आएगा। तो आप जैसे भी चाहो वैसे इसे स्टिच करा सकते हो, ये आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा एंड आपके लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो, कलेक्शन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। एंड आगे आपको बहुत सारे मीशो हॉल देखने को मिलने वाले हैं, वो भी एक से बढ़ के एक, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले एंड आप मेरी वीडियो टाइम से देख पाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए, हाँ
और इनमें से सबसे अच्छी साड़ी, सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा कमेंट करके बताना, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड और कुछ सीखना चाहते हो मीशो से कमेंट कर सकते हो, और मुझे पसंद आएगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।